अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं आलू बुखारे की चटनी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इसे ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी, आलू भरे की चटनी। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स और सिंपल बहुत ही मज़े की ये बनती है, बहुत जल्दी बनती है। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स का इंट्रोडक्शन देने लगी हूँ। थोड़े से इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड होने हैं, वो आपके सामने है। ये हमारे पास 250 ग्राम हमारे पास आलू भरा है, जो मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले का भिगो कर रखा हुआ है। और ये हमारे पास 200 ग्राम चीनी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये कुछ 4 मगज़ आलमंड्स और थोड़ा सा अदरक का 1 स्लाइस कटा और 1 जूनियन, और इसमें जो ये शीरे के अंदर चीज़ें जाएंगी वो इसके अंदर 1 टुकड़ा है 1 इंच का दालचीनी का, 3-4 लौंगे और 2 सब्ज़ी। ये पैन के अंदर मैंने हाफ ग्लास है पानी का, इसमें मैंने ऐड कर दिया। और इसके अंदर जो हमारी जो ये पैन में चूल्हे के ऊपर इसको मैंने रख दिया, उसके अंदर 1/2 ग्लास मैंने वाटर का ऐड कर दिया। और इसके अंदर अपनी चीनी जो कि 200 ग्राम है वो मैं ऐड कर दूंगी। आपने अंदाजे सारे अच्छे तरीके से याद रखने हैं, थोड़े से इंग्रीडियंट्स है वो आपने भूल लेने और इसी हिसाब से आपने बनानी है, तो बहुत अच्छी आपकी चटनी बनेगी। यहाँ पे पानी के अंदर सबसे पहले ये मैं अपने जो साबुत हमारे स्पाइसिस थे वो मैं ऐड कर दूँगी, जो कि होता है लौंग है, दालचीनी और सब्ज़ इलायची है, क्योंकि मैं ऐड कर दूँगी। इसी स्टेप पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा जूलिन बरीक कटा अदरक है, हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें अदरक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जब पक जाएगा इसका फ्लेवर ऐड हो जाएगा तो हम अदरक आराम से इसमें से निकाल सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं चीनी इसमें ऐड कर दूँगी। जब हम अच्छी तरीके से चीनी को इसमें ऐड कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ पानी में, जब चीनी हमारी इसमें मिक्स हो जाएगी तो हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें भीगा हुआ जो आलू भरा हुआ ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमारी चीनी इसमें बिल्कुल इसी तरीके से मेल्ट हो गई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। हमने इसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं कुक करना, ये ज़्यादा कुक हो जाएगा इस पॉइंट पर तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हम इसके अंदर अपना जो भीगा आलू बुखारा वो ऐड करते हैं। देखिए हो गई है सारी चीनी हमारी, तो हम इसमें अपना डाल देते हैं यार उबला हुआ भीगा हुआ आलू बुखारा। पानी के साथ ही आपने इसमें अपना जो भीगा हुआ था आलू भरा पानी के साथ ही ऐड करना है। अब हम इसको मिक्स करते हैं एक दफ़ा और फिर इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। सबसे पहले इसमें के अंदर मैंने तकरीबन ये 2 पिंच है ब्लैक सॉल्ट के, वो मैंने ऐड करनी है। सॉल्ट है 1/4 टीस्पून, या आपने टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून हमने ऐड करनी है इसके अंदर, रेड चिली भी हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऐड करनी है। इसके अंदर मैंने अपने कंप्लीट स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डलते हैं और ये बहुत ही मज़े की चटपटी खट्टी मीठी सी बनती है चटनी, खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो अब हम इसके गाढ़े होने का इंतज़ार करेंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारे जो आलू भरा है वो भी सॉफ्ट हो जाएँ। वैसे इनको मैंने भिगोया हुआ था तो पहले ही काफ़ी सॉफ्ट हैं, लेकिन इस तरह ये थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएंगे, गाढ़ी भी चटनी हो जाएगी तो बहुत मज़े की हो जाएगी हमारी। हम वेट करते हैं इसके गाढ़े होने का, फिर मैं आपको इसकी सर्विंग बताती हूँ। ये देखें, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि चटनी हमारी रेडी हो गई है, लेकिन फिर भी आपको निशानी के लिए मैं बता देती हूँ कि आपने इसको देखना है कि एक तार का शीरा हमारा रेडी हो गया है। तो आपने चूल्हा अपना बंद कर देना है स्टेज पर, और दूसरी इसकी निशानी है कि बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे इसके ऊपर। और इसका कलर देखिए पक पक के कितना प्यारा हो गया, चेंज हो गया खुद बहुत। ये देखिए स्टेज पे आपको पता जा रहा होगा कितना प्यारा इसका कलर हो गया, ये खुद बहुत ऑटोमेटिक इसका कलर पकने के बाद ऐसा हुआ है। और इसके पकने की यही निशानी है कि जो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है, उसको देखना है इसका जो इसका शीरा है वो एक तार का हो गया हमारा रेडी। ये देखिए जब चिपक रहा है तो आपके एक तार वाला शीरा रेडी है, तो आप इसका चूल्हा बंद कर सकती हैं। दूसरी इसकी निशानी है कि इसके ऊपर बबल्स आ रहे होंगे और आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा है पकने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें कोई कलर कोई आर्टिफिशियल चीज़ कोई फूड कलर कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया। और इसकी निशानी है कि आपकी चटनी रेडी हो चुकी है, इसका कलर सबसे पहले चेंज हो गया, दूसरा आप देखेंगे इसका शीरा रेडी हो चुका है। शीरे की निशानी है कि आप इसको चेक करेंगे कि हमारा एक तार वाला शीरा रेडी हो चुका है, चिपक पैदा हो रही है, तो अपना चूल्हा बंद कर देंगे स्टेज पर। दूसरा बबल्स बन रहे हैं यानी कि आपकी चटनी बिल्कुल रेडी है। ये जो
ठंडी हो जाएगी तो मज़ीद ही ड्राई हो जाएगी। कुछ लोग उसको मज़ीद ड्राई करना चाहते हैं तो उसको 5 मिनट मज़ीद पका लें। इसके बाद इसके अंदर मैं 1 चम्मच सिरके का और 1 कतरा केवड़े का ऐड करूँगी, और 1 कतरा केवड़े का ऐड करेंगे तो हमारी चटनी रेडी है। टीस्पून, हाफ टी स्पून वेनेगर इस टेस्ट में इसके अंदर जाएगा जो कि इसको ख़राब होने से बचाएगा, और 1 मंथ के लिए आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अगला इसका इसमें केवड़ा ऐड करेंगे, तो 1 कतरा इसके अंदर केवड़े का ऐड करेंगे शबूब के लिए। आलू का एक चटनी रेडी हो गई, बिल्कुल ही शादी की तरह भी रेडी होगी, और खाने में बहुत मज़ेदार है, देखने में जितनी आपको ये अच्छी लग रही है वैसे खाने में ही मज़ेदार इसका लुक देखें आप। इसके ऊपर आप चांदी का वर्क भी ऐड कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।